हाय वीवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जायका इंडिया का। पर बारिश का मौसम हो और पकोड़े ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आज हम बनाने वाले हैं दाल के पकोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल के पकोड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 2 कप मोठ की दाल। आप इसकी जगह मूंग की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसे पानी से अच्छे से धोकर 1 घंटे पहले भिगो दिया था। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करते वक्त हम इसमें ऐड करेंगे 5 छोटी हरी मिर्च, 10 लहसुन की कलियां, 1 मीडियम साइज का अदरक और 1/2 टीस्पून नमक। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमने दाल को ग्राइंड कर लिया है। अगर आप इससे क्रिस्पी पकोड़े बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमें दाल के सॉफ्ट पकोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए हम इसे ढक कर 3 घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमने दाल को ग्राइंड करके 3 घंटे के लिए रख दिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून जीरा पाउडर और इन्हें दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने दाल के साथ गरम मसाला और जीरा पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारी दाल पकोड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर हमने पकोड़ों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकौड़ी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम पकोड़ों को पलट कर दूसरी साइड से भी इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार है। हम इन्हें तेल में से निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बारिश के मौसम में इन गर्मा गर्म पकौड़ों को ग्रीन चटनी और फ्राई की हुई हरी मिर्च के साथ सर्व करने का मज़ा ही अलग है। आप देख सकते हैं कि हमारे पकोड़े बाहर से कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।